हेलो दोस्तों, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो अब अपन टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? परमाणु के नाभिक की। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा परमाणु नियोन के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो सबसे पहले देखिए नियोन, नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, नियोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो देखिए 10 कौन से में, फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने होते हैं? 9। एक नेगेटिव चार्ज कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन में 16, मैग्नीशियम में 12, इसमें नाइट्रोजन में 7, एक नेगेटिव चार्ज का 8। तो कौन से हुआ? फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय व प्रथम कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, तो अपन ने ये निकालना खूब सीखा था, अपन को फॉर्मूला याद है, तो अपन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले द्वितीय प्रथम कक्षा आर टू को ले लेते हैं द्वितीय त्रिज्या, बराबर सूत्र क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम बटे R1। अपन अनुपात निकाल रहे हैं, R1 क्या क्या है, वही फॉर्मूला रहेगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.529 से 0.529 कट गया, सेम है। अब देखिए R2 बराबर N, N क्या होती है, कोस की संख्या, तो एक ऊंचाई कोस है कक्षा, द्वितीय की है तो 2 का स्क्वायर बटे 1 बटे R1 बराबर प्रथम त्रिज्या तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, आगे देखिए अपन सॉल्व करते हैं इसे, R2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1 बटे R1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1। ठीक है, अब देखिए R2 बराबर 4 अपॉन 1, जिसके नीचे बटे में कोई संख्या, बटे में संख्या एक होती है, उसे लिखना कोई जरूरी नहीं होता। तो R2 बराबर 4 हो गया और R1 बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन 1 का कितना है 1, 4 अपॉन 1 आ रहा है, 4 अपॉन 1 के बटे में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है, तो ये कितना आ गया 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय प्रथम कक्षा में त्रिज्या का अनुपात कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, अब देखिए अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपन को पता है कि त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आर बराबर 0.53 लगा लो या 29 लगा लो, 3 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, या फिर अपन उसी से सॉल्व कर लेते हैं, इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तृतीय कोश की अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए वो अपन को फर्स्ट कोश की कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है ओनली। अब अपन रखते हैं R बराबर 0.529 इंटू 3 की क्या तीसरे करने हैं, 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, 1 हाइड्रोजन की याद करनी है, तो परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो R बराबर 0.529 इंटू 9, 1 अपॉन 1 है, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं था पटवा में। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, कितनी आएगी देखिए, नंबर नंबर 81 को एक कौनसल भाई 8, 9 दूनी 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 का 6 का आंसल 2, 9 पंजो 45, 45 और 2 47, 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 बाद पॉइंट कितना आ रहा 4 7 6 1 1, तो इसे 4 7 7 भी लिख सकते हैं, 4.77 एंगस्ट्रॉम कौन सा है, 4th नंबर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये लो, इस तरह से अपन इनको
ज्ञात करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कक्षा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या क्या होती है। प्रथम कोश की त्रिज्या पहले निकाल के देखी थी, सूत्र के अनुसार क्या होती थी, 0.529। इसे अपन 0.53 भी लिख सकते हैं अराउंड राउंडिंग वर्डों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द्रव्यमान संख्या ए से संबंधित नाभिक की त्रिज्या। अपन ने देखा था द्रव्यमान संख्या वे ए में जो संबंध था वो क्या था, द्रव्यमान संख्या ए में संबंध था आर बराबर आर जीरो ए की पावर 1/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये अपन ने क्लास की थी उसमें देख लिया था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बोर सिद्धांत के अनुसार फिफ्थ ऊर्जा स्तर के कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन ने कोणीय संवेग का फॉर्मूला देखा था। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता था एन एच अपॉन 2π, ये होता था कोणीय संवेग का फॉर्मूला। कोणीय संवेग फॉर्मूला क्या होता था, एन एच अपॉन 2π। देखिए एन बराबर क्या होता था, कौन से कक्षा ऊर्जा से, तो फिफ्थ से, तो क्या हो जाएगा 5h अपॉन 2π। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है अपन ने, मैं नहीं कह रहा। अपन 2 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 × 2 = 4, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0, कितना हो गया 10 × 2 = 10 / π, 2.5h अपॉन π कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए अपन वहां पर निकाला था, वहां पर बताया था कि हाइड्रोजन, पहली बात तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा ज्ञात, मतलब किसी भी परमाणु की ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता था, -13.6 × Z² / N²। ठीक है, तो उसे निकालते हैं तो प्रथम की निकल के आती थी, जैसे अपन प्रथम की निकालनी हो तो अभी निकाल लें -13.6 × Z² / N². ठीक है, बराबर -13.6 × Z परमाणु क्रमांक कितना, हाइड्रोजन का 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1/, कौन सी क्वेश्चन निकाल रहे प्रथम की, एक प्रथम के लिए एक एक के स्क्वायर कितना आएगा 1/1 को लिखेंगे, एक को इससे गुणा करेंगे, एक क्या आएगा -13.6 eV। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के अनुसार, मतलब हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत क्या था। तो अपन पढ़ गए थे हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत था δp δx < H/4π। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है क्वांटम संख्या के अनुसार कौन सा कक्षक संभव नहीं है। देखिए ये अपन को कैसे पता लगेगा, क्योंकि अपन ने क्वांटम संख्याओं से पहले पढ़ा था। ठीक है, उनमें पढ़ा था अपन ने कि जितने जोन सा कोश है उतने कक्षक होते हैं। तो ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि थर्ड कोश में कितने कक्षक संभव है, 3 कोश, कौन से, 3s 3p और 3d, उसमें 3f संभव नहीं हो सकता। तो ये असंभव कक्षक है, ये संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रथम बार किसने दी थी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने दी थी, सबसे पहले डी ब्रोगली के द्वारा दी गई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है P कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के गुणे संवेग का मान ज्ञात कीजिए, मान क्या होगा या मान क्या है। ठीक है, तो देखिए अपन पढ़ देते हैं KLMNOP। P कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पर। तो छठे कोष का इलेक्ट्रॉन का गुणे संवेग बताना है। तो गुणे संवेग का मान करके फॉर्मूला क्या होता है? NH/2π। 6 के लिए याद कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 6H/2π। 6 में 2 को भाग दिया क्या बचा? 3H/π। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि कैथोड किरणें किन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो कैथोड किरणें किन से बनी होती हैं? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैथोड किरणें किन से बनी होती हैं? इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा कण पर आवेश होता है। अल्फा कण पर कौन सा आवेश पाया जाता है? अल्फा कण पर पाया जाता है +2 आवेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण होता है हीलियम परमाणु का द्विधनावेश होता है। ठीक है, क्या होता है? 2He4+2। यही अल्फा कण होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवेश अपॉन द्रव्यमान का मान मैक्सिमम होता है। तो अपन ने चैप्टर के सबसे लास्ट में पढ़ा था आवेश अपॉन द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का मान निकाला था, प्रोटॉन का मान निकाला था, न्यूट्रॉन का मान निकाला था और अल्फा कण का मान निकाला था। तो सबसे ज्यादा मान किसका आया था? इलेक्ट्रॉन का था। इलेक्ट्रॉन कितना आया था? 1837। प्रोटॉन का कितना आया था? 1। न्यूट्रॉन का 0। अल्फा कण का 1/2 आया था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइसोबार में समान होते हैं। आइसोबार को हिंदी में बोलते हैं संभारिक। आइसोबार को हिंदी में क्या बोलते हैं? संभारिक बोला जाता है। ठीक है, तो संभारिक जिनके भार समान हो या द्रव्यमान समान हो। ठीक है, तो इंग्लिश से अपन इसे सॉल्व करें तो बताया था कि जो सेकंड लास्ट वर्ड होता है वही होता है ए, द्रव्यमान जिनके समान हो संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइसोबार क्या समान होता है? द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है, हिंदी बोले संभारिक में भार समान होता है। भार को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या होगा। द्रव्यमान संख्या बोलते हैं जो ए को बोला जाता है। ठीक है, तो तत्व प्रदर्शन में जो ऊपर ए होता था उसे द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। तो अपन ने देखा प्लांक नियतांक का मान दो होते हैं। एक होता था 6.6×10⁻³⁴, एक होता था 6.6×10⁻²⁷। 27 और −34 दोनों अलग अलग मानकों के अनुसार लिए जाते थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एक ही मैच खा रहा है, वो है सेकंड नंबर 6.6×10⁻³⁴ होता है। ठीक है, वैसे तो पूरा तो होता था 6.626×10⁻³⁴, लेकिन शॉर्ट में दे रखा है तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो फोटोन की ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अपन ने एक फॉर्मूला बताया था फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए, वो होता था NH μ। ठीक है, तो फोटोन की ज्ञात करने के लिए क्या होता था? NH μ। ठीक है, तो कितने के लिए गए थे? दो के लिए। तो एन क्या होता है? कोशिश संख्या। तो आगे दो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2H μ। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 2H μ। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस पर बोर मॉडल लागू नहीं होता है। तो अपन ने चैप्टर के फर्स्ट में इसके बारे में पढ़ा था कि कौन से परमाणु या तत्व पर बोर मॉडल लागू होता है, किस पर नहीं होता है। तो बोर मॉडल उस तत्व या उस परमाणु पर लागू होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या एक इलेक्ट्रॉन हो, उसमें बोर मॉडल लागू होता है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु
इलेक्ट्रॉन होते हैं वन, तो इस पर तो बोर मॉडल लागू होता है। लिथियम, लिथियम कितने थ्री प्लस टू है, तो टू थ्री में से टू गए बचे वन, इस पर भी बोर मॉडल लागू होता है। हीलियम में कितने होते हैं दो, इस पर लागू नहीं होता है। हीलियम में दो एक चला गया, एक बच गया, इस पर लागू होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में बोर मॉडल लागू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द्वितीय उत्तेजित अवस्था हेतु इनका मान, ठीक है। इनके बारे में अपन ने पढ़ा था कक्षकों के स्थायित्व के नियम के जस्ट बाद पढ़ा था कि मूल अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था, इनके बारे में पढ़ा था। जो सबसे नीचे होती है के, वो तो होती है मूल अवस्था, उसके बाद एल प्रथम उत्तेजित, एम द्वितीय उत्तेजित, एन तृतीय उत्तेजित, ऐसे पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले के फर्स्ट मूल अवस्था हो गई, टू एल कौन सी हो गई प्रथम उत्तेजित अवस्था, एम थ्री वाली कौन सी हो गई द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था हेतु एन का मान थ्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। कितने द्वितीय उत्तेजित अवस्था हेतु एन का मान कितना होता है थ्री, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखिए अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एम कौन से प्राप्त श्रेणी होगी, तो देखिए सबसे नीचे कौन सी आती है के, ठीक है। तो के लिए कौन सी होती है लाइमन होती है, जो दर्शी क्षेत्रों से। उसके बाद आते हैं के एल, एल के लिए कौन सी होती है, एल के लिए होती है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट होती है। उसके बाद आती है एम, एम के लिए कौन सी होती है पास्चल, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एम कौन से प्राप्त श्रेणी कौन सी होगी पास्चल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिज्या का सूत्र होगा। त्रिज्या का सूत्र पढ़ गया था अभी, पढ़ा था क्वेश्चन सोल्व करते तब कि त्रिज्या का सूत्र, त्रिज्याघात करने का सूत्र क्या होता है, आर बराबर 0.529 × n² / z, तो कौन सा हो रहा है थर्ड, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब देखिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त क्वांटम संख्या है। तो अपन ने श्रोडिंगर समीकरण में पढ़ा था कि श्रोडिंगर समीकरण तीन क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है, कौन सी से, एन एल एम, और वही अपन से पूछ रहा है कि श्रोडिंगर समीकरण से प्राप्त क्वांटम संख्या एन एल एम मतलब ऑल सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कोश का प्रदर्शन करती है, कोश का प्रदर्शन कौन सी क्वांटम संख्या करती है, कोश का प्रदर्शन करती है एन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोश का प्रदर्शन कौन सी क्वांटम संख्या करती है फर्स्ट करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एस की आकृति होती है, अपन ने उस दिन आकृति पढ़ी थी कि एस की आकृति गोलाकार होती है, पी की डम्बलाकार होती है, डी की द्विडम्बलाकार और एफ की जटिल, यहाँ पर एस की पूछे एस की आकृति कौन सी होगी गोलाकार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है असंभव कक्षक है, ऐसा कौन सा कक्षक है जो संभव नहीं है, देखिए उसमें देख रहा है 2p5, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 2p5, ठीक है, तो ये तो संभव है। अगला देखिए दे रखा है 5f13, f में कितने आते हैं अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी संभव है। अगला दे रखा है 6f15, f में कितने अधिकतम 14, यहाँ कितने दे रहे हैं 15, ये गलत है, इसमें सिर्फ 14 है, तो ये कक्षक संभव नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरे कोश का कोणीय संवेग है, ठीक है, कोणीय संवेग का ज्ञात, कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या अपन ने पढ़ा था कि NH/2π, कोणीय संवेग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता था NH/2π। यहाँ पर कौन से कोश के लिए पूछ रहा है, तीसरे कोश के लिए n, n क्या होता है, n होता है कोश की संख्या, थर्ड कोश के लिए पूछा हुआ है तो क्या आएगा 3H/2π, देखो 3H/2π ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं क्वेश्चन ऊपर, ठीक है। तो अपन इसे और सॉल्व करते हैं, अपन तीन में दो का भाग देते कितने आएगा, दो एकम दो बचा कितना एक, पॉइंट लगाया ऊपर तो अभी जीरो कितने हो गए 10, दो पंजे 10,
1.5 h अपॉन पाई, ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे कोश का कोणीय संवेगमान हो जाएगा 1.5 h अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड, जो नीचे दिए हुए नाइट्रस ऑक्साइड, उनमें से कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड CO2 के सम इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले CO2 में इलेक्ट्रॉन पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए CO2 कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 प्लस एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो दो में कितने हो जाएंगे? 16। 16 और 6 कितने हो गए? 22। ठीक है, तो CO2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 22। अब देखिए, अब अपन एक एक करके नीचे वाले CO2 में हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। अब अपन नीचे वाले एक एक करके नाइट्रस ऑक्साइड को देखते जाएंगे। देखिए सबसे पहला NO2, NO2 में देखिए, NO2 में नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। तो दो में कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 16 और 6 23। ये उसके सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब देखिए अगला, देखिए NO2, एक नाइट्रोजन कितने होते हैं? 7। दो में कितने हो गए? 14। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 8। देखिए 7 7 14 14 और 8 कितने हो गए? 22। सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगला देखिए NO में 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15। N2O2 में देखिए 7 7 14 और 8 8 16 कितने हो गए? 30। तो इनके समय इसके CO2 के समय इलेक्ट्रॉनिक कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड होगा? NO2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, GTC पेन। ठीक है, अपन से पूछिए प्रोटॉन किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रोटॉन जी से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन को जिसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ई से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने की थी? जे थॉमसन ने। अगला क्या आएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने की थी? से जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चल थैंक यू। अब अपन आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।